तो बच्चों कैसे हो सारे? जोरदार हो ना एकदम। सबसे पहले होता है वेक्टर साइंस एकेडमी जो आपके लिए एक नवाचार लेकर आ रही है, इसकी हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आज हमारा जो सैटरडे का डे है इसको हम लोग एक्टिविटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अपन हर एक सैटरडे को कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी सीखें, कुछ ना कुछ नया सीखें ना। केवल किताबों से हमें पार नहीं पड़ा, नहीं अपन को और भी बहुत कुछ काम करना है। तो आज वेक्टर साइंस एकेडमी आपके लिए एक्टिविटी डे लेकर आई है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिकल्स के साथ में, ठीक है। ये जो बेसिक्स प्रैक्टिकल्स है वो क्लास 9th और 10th की जनरली बुक्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल है जिनको हम अपने डेली रूटीन के अंदर लगातार देखते भी हैं, है ना। तो आज अपन उनको कुछ प्रैक्टिकली फॉर्म के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो अपने सामने इतनी सारी जो चीज़ें रख रखी गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं ना, कौन सी चीज़ क्या है, किस काम आती है। उसके बाद अपन कुछ एक प्रैक्टिकल्स है जिनको अपन करके देखेंगे, और न सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बल्कि आप लोग खुद भी आकर टेस्ट करोगे कि क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा गया है वो सही है या नहीं, है ना। इस सब बातों का अपन यहाँ पे पता लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा आपको ट्राइपॉड स्टैंड दिख रहा होगा, है ना। इसके तीन पैर हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपॉड, है ना। ये एक स्टैंड है, इसको जनरली हम लोग बर्नर के ऊपर लगाते हैं, यानी जो बर्नर है उसके नीचे रहता है। अब ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसको हम लोग बर्नर की तरह काम में लेते हैं, वैसे इसका नाम है स्प्रिट लैम्प। क्या नाम है? स्प्रिट लैम्प। इसके अंदर हम लोग स्प्रिट डालते हैं, फिर उस इसको जब अपन ऊपर से खोलते हैं तो यहाँ से आपको एक बाती दिखाई देती है जिसको माचिस के जरिए हम लोग जलाते हैं, जिससे ये बर्नर की तरह हमारे पास काम करता है, ठीक है। अब देखो अपन जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो सीधा उसको इसके ऊपर रखेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, अगर फ्लेम आएगी तो इससे ये चीज़ नीचे से काली हो सकती है ना। ये काली ना हो, या फिर कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें अपन को, जैसे इसको मुझे गर्म करना है, इसके अंदर कोई चीज़ डाल के, तो इसको मैं अगर इसके ऊपर रखूँगा तो ये हो सकता है इसके अंदर से नीचे गिर जाए, है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेट का यूज़ करते हैं। इस नेट को हम लोग इसके ऊपर रखते हैं तो इससे दो फायदे हो गए, एक तो कोई छोटी चीज़ अपने पास तो उसको भी इसके ऊपर देखो सीधी इस तरह से रख सकते हैं, दूसरी काला होने की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखो पीओपी का लेपन किया गया है, जिससे क्या होगा, जो फ्लेम होगी ना वो उसको हीट तो ऊपर की तरफ देगी, लेकिन अपना जो भी पात्र है ना जिसको अपन ने इसके ऊपर रखा है उसको काला नहीं होने देगी। इससे दो फायदे होंगे अपने को। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में है ये चाइना डिश की बनी हुई एक छोटी सी आपको कटोरी नुमा संरचना दिखाई दे रही है ना। अपन को जब भी किसी चीज़ को गर्म करना होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर कोई चीज़ हो तो उसको अपन इसके अंदर डालते हैं और गर्म करते हैं। इसी की तरह का एक उपकरण है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉच ग्लास। आपको एक कांच जैसी संरचना दिख रही होगी, है ना। अब इसका नाम देखो वॉच ग्लास क्यों है, अगर मान लो मैंने इसके अंदर कोई चीज़ डाल ली तो मुझे दिखाई नहीं देगा नीचे उसके साथ क्या हो रहा है। अगर मुझे देखना भी हो कि उसके साथ क्या हो रहा है तो मेरे को एक पारदर्शी माध्यम चाहिएगा, तो पारदर्शी माध्यम के रूप में अपने पास एक कांच की बनी हुई छोटी सी एक संरचना है, एक छोटी सी कटोरी है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉच ग्लास। इसके बाद देखो मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा है फ्लास्क, इसको बीकर भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या है अपने पास? बीकर। और हर बीकर की देखो क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो अपने पास देखो तीन अलग अलग साइजेस के बीकर है। ये तीनों बीकर है, ये है आपके 200 ml का, ये वाला आपके 100 ml का, और ये वाला छोटा वाला है ये 50 ml का। अपने पास तीन बीकर है। अब इस बीकर के अंदर आप जो यहाँ पर एक देख पा रहे हो ये कैसे संरचना है, कीपनुमा संरचना ना। इसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में अपने घरों में भी बहुत जगह करते हैं। जब अपन को मान लो किसी ऐसे छोटे मुंह के कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड चीज़ डालनी होती है तो वो बाहर नहीं गिर जाए, इसके लिए हम लोग कीप का प्रयोग करते हैं। अब एक तो कीप कांच की है और दूसरी बड़ी कीप अपने पास जो कि है प्लास्टिक की। कई बार क्या कि अपन जब एसिड्स के साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि ऊष्मा क्षेपी जब अभिक्रिया होती है तो प्लास्टिक गल जाए, या मान लो अपन को ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया देखनी है, ऊर्ध्वपातन अपन को करवाना हो जिसमें हम किसी चीज़ को, जैसे हम लोग यहाँ पे एक मेरे पास सॉल्ट है इसको हम लोग गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो प्लास्टिक वाली जो कीप होती है ना वो हो सकता है पिघल जाए, तो पिघलने इसके लिए अपन को कोई सॉलिड मटेरियल चाहिए, तो सॉलिड मटेरियल की जगह हम लोग काम में लेते हैं इस कांच वाली कीप को। इसको अपन यूज़ भी करके देखेंगे, अभी अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा और फ्लास्क देख पा रहे हो जिसकी जो संरचना है वो कोन शेप के अंदर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। गणित में शंकु पढ़ते हो ना आप लोग, शंकु के जैसे इसकी संरचना है, शंकु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोन, तो इससे बन गया कोनिकल फ्लास्क। आप लोगों ने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी बगुला और लोमड़ी की, सुनिए ना। उसमें वो बगुला आमंत्रित करता है लोमड़ी को अपने घर दावत के लिए, और वो सुराही के अंदर उसको खाना डाल के देता है। अब सुराही के अंदर जब खाना डाल के देता है तो लोमड़ी का मुंह थोड़ी जाता है इसके अंदर, सुराही के अंदर खाना तो नीचे की तरफ रह गया, तो वो स्टोरी वहीं से ही आया, ये मान के चलो ये वही लोमड़ी वाला ही अपने ला रखा है इसको। फिर इसके बाद देखो कुछ और बात करें, हमारे पास यहाँ पे मेडिकल स्प्रिट है, हालांकि मुझे वो वाली स्प्रिट नहीं मिली जो अपन स्लैम के अंदर डालते, तो मेडिकल स्प्रिट ही ले आया, इससे भी हम लोग काम चला सकते हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड देख रहे हो, इस स्टैंड के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स दिखाई दे रही है जो कि कांच की बनी हुई है, ये बोरोसिल ग्लास की बनी हुई ट्यूब्स है जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब्स। अब इनका नाम टेस्ट ट्यूब क्यों पड़ा, क्योंकि जो भी अपन को टेस्ट करना होता है ना वो जनरली अपन इन ट्यूब्स के अंदर करते हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया, टेस्ट ट्यूब्स पड़ गया। अब देखो
इन टेस्ट ट्यूब्स के अलावा मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी ब्रश दिख रही है, ये दांत साफ करने की नहीं है, किसी को दांत साफ करवाना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन दांत साफ करने की पर्टिकुलर ये नहीं है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती है ना, जब भी अपन कोई रिएक्शन इसके अंदर करवाते हैं तो रिएक्शन पूरी होने के बाद इसको हमें साफ करके रखना पड़ता है। तो साफ कैसे करते हैं, इसको पहले तो हम लोग अच्छे से पानी से धोते हैं, फिर इसको इसके अंदर डाल के अगर कोई डिटर्जेंट वगैरह है तो उसका यूज़ करके हम इसको आराम से अंदर से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इसको साफ करने के लिए काम में आती है ब्रश। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा चिमटे जैसे स्ट्रक्चर दिख रही होगी ना, एक तो चिमटे जैसे स्ट्रक्चर ये है और एक ये है, इन दोनों के अलग अलग यूज़ है। अगर मान लो कि मुझे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चीज़ डाल के गर्म करनी है तो ये थोड़ी कि भाई मैं इसको ऐसे बर्नर के ऊपर पकड़ के खड़ा रहूँगा, गर्म मुझे टेस्ट ट्यूब करनी है, अपना हाथ थोड़ी करना है ना, मेरा हाथ नहीं जलाना मुझे, तो हाथ नहीं जले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप एक लॉक देख रहे हो, इसको जैसे मैं आगे कर दूंगा तो अपनी टेस्ट ट्यूब इसके अंदर लॉक होगी। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं इस तरह से ताकि टेस्ट ट्यूब नीचे भी नहीं गिरे और अपन आराम से इसको बर्नर के ऊपर रख के गर्म कर सके, ठीक है। फिर जैसे मुझे इसको रखना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टैंड के अंदर डालूंगा और इसको पीछे की तरफ खींच लूँगा, पीछे की तरफ खींचते टेस्ट ट्यूब अपने आप स्टैंड के अंदर चली जाएगी। ये जो दूसरा चिमटे जैसे स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? अब इसको क्या चीज़ पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, तो अपने पास देखो यहाँ पर छोटी छोटी जो आपने टेस्ट ट्यूब्स वहाँ पे देखी, इसी तरीके से मेरे पास छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स और है जिनको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब्स। देखो कितनी पतली सी है, छोटी सी, इसके अंदर भी छेद है, इसके अंदर भी। अभी थोड़ी देर पहले अपन सोडियम की बात कर रहे थे ना, तो जब अपन केमिस्ट्री लैब के अंदर लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डालते हैं, कोई अगर सॉल्यूशन अपने को इसके अंदर डालो तो वो डालकर फिर इसको फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं। अब वो तो चलो बड़ी थी, उसको तो क्या पता पकड़ के भी हम लोग गर्म कर लें, लेकिन इतनी छोटी सी को अपन पकड़ के गर्म नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए अपन को ये टोंक चाहिए होती है। तो अपन क्या करते हैं, जनरली इसकी सहायता से इसको इस प्रकार से पकड़ते हैं और आराम से गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसके अलावा अपन बात करें, ये देखो छोटे बच्चे की एक चम्मच, मेरे घर पे अलग कोई छोटा बच्चा नहीं है, चम्मच पड़ी थी उठा के ले आया, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली लैब में काम आने वाला छोटा सा उपकरण है। आगे से इसमें चम्मच जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, पीछे यहाँ पे कस्सी जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, तो अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो इस कस्सी को लेके जा सकते हो। इसका नाम क्या है बताओ, पता है क्या किसी को? सिद्धार्थ से पूछ लेते हैं, क्या नाम है इसका सिद्धार्थ? स्पैचुला। इसको हम लोग बोलते हैं स्पैचुला। अपने को मान लो जैसे अपने पास ये कुछ पाउडर रूप में सॉल्यूशंस है, अगर मुझे इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी हो तो मैं ये नहीं कि इसको हाथ से पकड़ के डालूंगा, अपन क्या करेंगे इस स्पैचुला का यूज़ करेंगे और थोड़ी सी जितनी भी क्वांटिटी के अंदर अपन को, जितनी भी अमाउंट के अंदर अपन को ये वाला सॉल्यूशन चाहिए तो उसको अपन थोड़ा सा लेके और डाल सकते हैं, ठीक है, इस काम में आती है। इसके बाद अपन देखो बात करें, ये छोटे बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाने वाली ड्रॉपर है ना, ये पोलियो की दवाई नहीं पिलाती, इससे असल में मान लो कि अपन को थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर कोई लिक्विड जैसे मान लो एसिड अपन को लेना, फिर कोई भी सॉल्यूशन अपन को लेना हो तो इसके अंदर से अपन लेके और जहाँ पे अपन को बूंद बूंद करके डालने की जरूरत पड़ती है तो अपन आराम से ड्रॉपर का यूज़ करके डाल सकते हैं। ये तो बातें होगी अपनी नॉर्मली। अच्छा एक दो चीज़ें और बच गई, आप लोगों ने फिल्टर पेपर का नाम सुना होगा, फिल्टर पेपर पढ़ा ना, ऐसा होता देखो फिल्टर पेपर, ये क्या है फिल्टर पेपर, अपन को किसी भी चीज़ को छानना हो जिसके अंदर, तो एक तो मान लो जो विलायक है वो तो लिक्विड फॉर्म के अंदर है और जो अपना विलय है उसके जो कण अगर थोड़े से मोटे हैं, अगर अपन को छानना हो तो अपन फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग जनरली कीप के अंदर लगाते हैं और चीज़ कोई भी चीज़ जो अपन को छाननी होती है ना उसको आराम से अपन छान सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें, आप लोगों ने लिटमस पेपर का नाम सुना है क्या कभी? कोई मेरे को बता सकता है कि नीला लिटमस जो है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लाल हो जाता है, पता है क्या आप सबको, है ना? आज अपन इसको प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि क्या सच में जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको अम्ल लाल कर सकता है कि नहीं कर सकता, या अपन को झूठे सिद्धार्थ सर ऐसे बावड़े बना रहे हैं, है ना? तो आज अपन इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। फिर और क्या बच गया, आप लोगों ने थर्मामीटर का नाम सुना होगा, देखो आज अपन थर्मामीटर को देखेंगे। ये होता है थर्मामीटर, ऐसा बुक्स में देखा ना अपन ने, यहाँ पे देखो नीचे आपको चमकती हुई कोई चीज़ दिख रही होगी, आपने आउट साइड के अंदर देखो मरकरी पड़ी है ना, ये देखो ये रहा HEG लिखा हुआ अलग से, है ना, ये मरकरी होती है, इसके अंदर पारा होता है जो कि तापमान के साथ अपने वॉल्यूम के अंदर अपने आयतन के अंदर प्रसार दिखाता है और उसी आयतन के प्रसार के कारण ये जो टेम्परेचर है ना जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो अपन को टेम्परेचर का पता चलता है। जैसे अभी अपने देखो रूम का टेम्परेचर कितना हुआ वो भी अपन बता सकते हैं, अभी अपने रूम का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अभी अपन बैठे हैं, तो उसको भी अपन देखो यूज़ कर सकते हैं जब भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद देखो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, अपन कुछ एक बातें कर लेते हैं। ये क्या है बताओ? इंजेक्शन, जो भी बदमाशी करता है मैं उसके लिए इंजेक्शन पहले से रखता हूँ, है ना। अब आप में से कौन इस पावन कार्य का भागीदार बनेगा वो अपन आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर देखो दो इंजेक्शन है, ये दोनों लड़ रहे थे तो मैंने दोनों को रस्सी से बांध दिया, दोनों भाग नहीं पाएंगे, है ना। अब इनको अपन यूज़ करके क्या कर सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। फिर अपने पास यहाँ पे ये बताओ क्या है, अभी बैटरी है, बैटरी नहीं है बैटरी है। बैटरी क्या करती है,
अपन को धारा उपलब्ध करवाती है। अब देखो इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बटन जोड़ रखा है, ऐसा बटन देखा है आप लोगों ने, इसको MCB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MCB। इसका भी अपन देखो यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है जिसके अंदर मैंने देखो बहुत सारा तांबे का तार इसके ऊपर लपेट रखा है ना। कल अपन बात कर रहे थे तांबे का विद्युत रोधी पॉलिश किया हुआ तार लपेटते अपन जब भी किसी कच्चे लोहे के ऊपर, तो उसको अपन विद्युत चुंबक के रूप में बदल सकते हैं। मैंने इसको बदल रखा है, मैंने कल कहा था कि अपन इसको बदलना तो सीखेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बनवाऊंगा, आज अपन इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली देख लेंगे। ये इस डब्बी के अंदर मेरे पास थोड़ा सा है लोहे का बुरादा, इस लोहे के बुरादे को भी हम लोग देखो क्या किस तरह से प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर सकते हैं उसको अपन देखेंगे। फिर देखो यहाँ पर छोटी सी डिब्बी के अंदर आपको ब्लू ब्लू कलर का कोई सोल्ट कोई सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कल सजा सर से, है ना, उसी की बात करेंगे। ये है मेरे पास NaOH, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे। कैसे अपन हम लोग छाल के बिगड़े करेंगे उसको भी देखेंगे। ये मेरे पास यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड, अपन बात करते हैं ना ऊर्ध्वपातन की, तो आज अपन ऊर्ध्वपातन को अमोनियम क्लोराइड के जरिए देखेंगे भी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे तीन अलग अलग बोतलें पड़ी है ना, ये खतरनाक वाले एसिड्स हैं, इनसे अपन को बच के रहना है। ये वाला है सांद्र H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये अपने पास। ये जो दूसरी वाली बोतल में मेरे पास है ये कंसनट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि सांद्र अवस्था में, और जो तीसरी लास्ट बोतल है इसके अंदर अपने पास है कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ अम्लीय वर्षा, है ना, अम्लीय वर्षा का एक घटक ये भी तो होता है, तो अपन इसकी भी आगे चल के किताबों के अंदर बात भी करेंगे। तो देखो ये तो थी सारी की सारी बातें, दो चीज़ें ये बच गई, लिटमस पेपर बता दी थी ना मैंने, अब कुछ नहीं बचा, बस हो गया सब कुछ, एक मोमबत्ती बची है जिसका अपन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने छोटी सी एक वाइल ले रखी है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं भी मेडिकल जहाँ आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपके ब्लड का सैंपल लेके ऐसी ट्यूब के अंदर रखा जाता है, इसको वाइल बोलते हैं। इसके अंदर मैं हल्का सा कलर लेके आया हूँ, इस कलर का भी अपन यूज़ करेंगे जब अपन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड को चेक करेंगे ना, तब वहाँ पे अपन काम में लेंगे। ठीक है, शुरू करें।